हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमटी करियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रमन कुमार लेके आया हूँ आज क्रैश कोर्स का 27वां वीडियो, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल सॉल्यूशन का जो आपका चल रहा है उसका 22वां वीडियो है। कम्युनिकेशन सिस्टम का 5वां वीडियो है और एनालॉग कम्युनिकेशन का आपका ये 3rd वीडियो है। इससे पहले मैं 2 एनालॉग कम्युनिकेशन पर वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें कि आपके टोटल UPPCL के 2013 वाले सारे जितने भी एनालॉग कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस थे सारे उसमें कवर किया हूँ। इसमें अभी जो कवर करने वाला हूँ 2016 के UPPCL AE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और एक दूसरा पेपर हुआ था इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो वो इसमें कवर करूँगा, जिसमें कि सारे एनालॉग कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस होंगे। तो जो लोग अभी कम्युनिकेशन सिस्टम के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग देखें, उसमें आई थिंक जो क्रैश कोर्स वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसमें 10th या 11th नंबर वाला जो वीडियो है, 10th 11th 12th ये सारे आपके 13th ये सारे कम्युनिकेशन के ही हैं। इसके बाद फिर डिजिटल कम्युनिकेशन के भी आएंगे, तो ऐसे ही आपके वीडियोज आते रहेंगे अभी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर विथ एन इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी है आपका 450 किलोहर्ट्ज, ट्यून्ड एट ए सिग्नल एट 1100 किलोहर्ट्ज, दैट मीन्स की FS है 1100 किलोहर्ट्ज, और यहाँ पे इमेज फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, दैट मीन्स कि इमेज फ्रीक्वेंसी होता है FSI इक्वल टू, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका सिंपली फॉर्मूला होता है FS प्लस 2IF। सो IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है आपका, और ये आपको कैलकुलेट करना है। FS आपका गिवेन है 1100 प्लस 2 इंटू 455, तो ये हो जाएगा 1100 प्लस 910, सो ये हो जाएगा आपका 2010 किलोहर्ट्ज़। सो यहाँ से देख सकते हैं 2000 किलोहर्ट्ज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो ऑप्शन 2 यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार इस पे क्वेश्चंस आपको सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर से एक क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, चाहे वो गेट का हो, चाहे IAS का हो, चाहे आपके UPPCL का हो, हर पेपर में इस पे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ये सारे जो क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ UPPCL AE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 2016 के हैं। सो यहाँ से देखते हैं, व्हेन मॉड्यूलेटेड सिग्नल MOT ये है आपके साइन ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे बोल रहा है आउटपुट ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। तो सिंपली इस वाले क्वेश्चंस में आपको हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है, लेकिन सिंपल आपको अगर मैं बताऊँ तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जो होता है वो आपका सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन का, और ये क्या होता है, इट इज़ यानी कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इज अ वाइड बैंड फेज शिफ्टर ऑफरिंग अ शिफ्ट ऑफ पाई बाई 2 और 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है। और इसमें थोड़ा सा और आपको बता दूं कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म 1/πt ये इक्वल होता है माइनस डेल्टा ऑफ टी के, और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ टी ये होता है आपका 1/πt, तो ये देख सकते हैं आप। और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t) तो ये होता है माइनस f(t), यानी कि एक ही फंक्शन का 2 बार हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, माइनस f(t). और यहाँ पे ये जो आपका है, इट इज़ अ वाइड बैंड फेज शिफ्टर ऑफरिंग अ फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री का फेज शिफ्ट जो होता है, तो एग्जांपल के लिए जैसे आपका साइन ओमेगा नॉट टी है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 90 डिग्री का जो फेज शिफ्ट होता है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ओमेगा नॉट टी को साइन ओमेगा नॉट टी माइनस ऑफ पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का यहाँ पे फेज शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं साइन माइनस कॉमन लें तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट टी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, बट यहाँ और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से माइनस ऐसा समझ लीजिए 90 डिग्री माइनस ओमेगा नॉट टी, दैट मीन्स कि माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। सो यहाँ से आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसे में अगर कॉस ओमेगा नॉट टी हो
कॉस ओमेगा नॉट टी हो तो इसका सिंपली साइन सॉरी कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस पाई बाई टू। तो कॉस का क्या होता है आपका कि कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, इवन फंक्शन होता है, इसलिए ये डायरेक्टली आपका साइन ओमेगा नॉट टी हो जाएगा। तो सिंपल आपको कितने बार एग्जाम में आया हुआ है, गेट में भी। अभी ये जो क्वेश्चन है आपका गेट का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका गेट का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा वन टी प्लस साइन ओमेगा वन टी, तो मैं इस पर आ रहा हूँ। पहले पहले ये आप देख लीजिए कि यहाँ मैं लिख देता हूँ रिजल्ट आपका कि साइन ओमेगा नॉट टी का जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है वो आपका होता है माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, और कॉस ओमेगा नॉट टी का जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है ये होता है आपका साइन ओमेगा नॉट टी। ये ध्यान में रखिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई एक बार एग्जाम में पूछा है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ये गेट का 2000 में 2 मार्क्स के लिए आया था। इसमें है कॉस ओमेगा वन टी प्लस साइन ओमेगा टू टी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म आपको बताना है। तो सिंपली यहाँ से रिजल्ट आपके पास है, कॉस ओमेगा वन का हो जाएगा साइन ओमेगा वन टी, और साइन ओमेगा टू का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टू टी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि साइन ओमेगा वन टी माइनस कॉस ओमेगा टू टी ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर व्हेन कैपेसिटर, यहाँ पे आर मैक्स बताना है, सी गिवेन है कैपेसिटर आपका 0.1 माइक्रोफेराड, दैट मीन्स कि 0.1 × 10⁻⁶, इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁷ फेराड, एंड एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव एस टी, ये आपका गिवन है एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव का, टू बी डिटेक्टेड बाय एनवेलप डिटेक्टर। एनवेलप डिटेक्टर में एक क्वेश्चन आपके 2013 वाले में भी आया हुआ है, तो उसमें डायरेक्टली रिजल्ट पूछा है, इसमें थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा है। तो जो एनवेलप डिटेक्टर होता है उसका जो होता है टाइम कॉन्स्टेंट टाओ, वो 1/RC जो होता है, टाओ जो आपका RC होता है, तो ये क्या होता है आपका कि जो इसका कंडीशन होता है आपका, सो इसमें सिंपली RC जो होता है यानी कि टाइम कांस्टेंट आपका RC, ये होता है आपका फॉर इनवेलप डिटेक्टर अगर डिटेक्ट करेगा तो 1/FC, और यहाँ आपका होता है 1/FM, ये कंडीशन पूछा था डायरेक्टली 2013 वाले पेपर में, इसमें आपको रिजल्ट पूछा है। तो सिंपली यहाँ से देखते ये आपका AM का है, तो ये आपका FM है, FM 10³ हर्ज, तो यहाँ से सिंपली FM हमें पता लग गया, चाहे यहाँ पे देख लीजिए 10³, ये आपका AC cos 2π FCT, तो FC FM दोनों यहाँ पे सेम ही बता रहा है। सो यहाँ से FM ले लेते हैं, सो RC जो है लेस देन 1/FM लेस देन इक्वल टू, तो R आपका हमें कैलकुलेट करना है, C हमें पता है C, और 1/FM यानी 10³, ये ऐसा है। अब क्या होगा कि R मैक्स हमें अगर लेना है तो सिंपली 1/10³ × C, सो 1/10³ C की वैल्यू आपका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है 1 × 10⁻⁷ है, तो 10⁻³ - 7 ये हो जाएगा 10⁻⁴ और ऊपर जाएगा, तो R मैक्स जो हो जाएगा आपका जो R वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ऊपर में 10⁴, दैट मीन्स कि जो R है आपका ये होगा 10⁴ हर्ज, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा ओम, तो 10 × 10³ ओम लिख सकते हैं। सो R लेस देन इक्वल टू 10 किलो ओम लिख लेंगे, तो यहाँ से R मैक्स, अब देखिए इसमें क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको गिवन नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि हम क्या ले सकते हैं। तो R मैक्स है एक, देखिए यहाँ पे 21 किलो ओम है, लेकिन ये बोल रहा है या तो 10 किलो ओम होनी चाहिए नहीं तो 10 किलो ओम से कम होनी चाहिए, तो ऑप्शन से आपका जो R मैक्सिमम है यहाँ से 10 किलो ओम से कम, या फिर देख सकते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा ऑप्शन में आपका ऑप्शन 3 2.1 किलो ओम, एक्चुअली ये सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम रजिस्टर की बात करें तो इस तीनों ऑप्शन में आपका 2.1 किलो ओम ज़्यादा है आपका मैक्सिमम है। 21 किलो ओम इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज 10 किलो ओम से हमें कम चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, मेथड यही है आपका।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, द नॉइज टेम्परेचर इज अबाउट 4306 केल्विन, द नॉइज फिगर विल बी। ये जो क्वेश्चन है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है और इसमें आपको नॉइज टेम्परेचर और नॉइज फिगर का आपको, तो नॉइज फिगर अगर डीबी में नहीं है, नॉर्मल वैल्यू आपको चाहिए तो 1 प्लस TN0 अपॉन T0। ये T0 जो होता है एट रूम टेम्परेचर, इसका वैल्यू डायरेक्टली स्टैंडर्ड वैल्यू है 290 केल्विन, ये आपको याद रखना है। सो इसको अगर यहाँ पे डीबी में है, डीबी में आपको लेना है तो 10 log base 10 1 प्लस TN0 अपॉन यहाँ से T0। सो देख सकते हैं कि 10 log 1 प्लस, अब ये है आपका TN0 4306 आपका TN0 है और ये आपका 290 स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आप लेंगे। सो यहाँ से आएगा आपका 10 log, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 15.84 ऑलमोस्ट 16। तो ये आपका आएगा, इसकी वैल्यू 10 × 1.1997 तो 11.99 आपका हो जाएगा डीबी, दैट मींस कि ऑलमोस्ट 12 डीबी। अब देखिए यहाँ पे बात है कि अगर कैलकुलेटर नहीं होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना पड़ेगा। 15.84 है तो अराउंड 16 हम ले लेंगे, और 16 को अगर समझिए कि लॉग में हमें करना हो लॉग 16 की वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं log 2 raised to power 4, तो 4 log 2, और log 2 की वैल्यू हमें पता है कि 0.3 होता है, तो ये हो जाएगा 1.2। और यहाँ से 10 log 16 अगर करना है तो 10 × 1.2 तो सिंपली 12 dB आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर नहीं रहे तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से है, क्या सिंगल मोड फाइबर डज नॉट सफर फ्रॉम विच टाइप ऑफ डिस्पर्सन, तो जो सिंगल मोड फाइबर होता है वो इंटर मॉडल डिस्पर्सन से सफ़र नहीं करता है। सो ऑप्शन 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से है, व्हेन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज हाफ एंड द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज आपका कॉन्स्टेंट रहता है ये आपके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, तो सिंपली यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेक्ट होगा, तो यहाँ से ऑप्शन में ओनली 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ये 145 तक जो थे यूपी पीसीएल एई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली, सो आपका 145 यूपी पीसीएल एई इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन 2016 अभी तक जो स्टार्टिंग से जो कर रहे थे 145 तक आपका था यूपी पीसीएल एई इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन 2016 का पेपर था, और प्रीवियस आपके 2013 के पेपर हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, अब ये जो क्वेश्चन है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का है, अलग से पेपर हुआ था 2016 में, तो यहाँ पे है 20 MHz कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय साइनोसाइड ऑफ 1 kHz टू प्रोड्यूस अ पीक फ्रिक्वेंसी डेविएशन 100 kHz, तो यहाँ से आपको व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बैंडविड्थ बताना है। इफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज चेंज टू 800 kHz व्हाट इज द बैंडविड्थ, यानी कि दो कंडीशन है आपके, दोनों कंडीशन में आपको बैंडविड्थ बताना है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग गलत किए क्वेश्चन को, जहां भी ये पेपर था उनका भी मैंने देखा, तो वो ऑप्शन 4 टिक किए थे, और ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा इसमें पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, बेसिक पॉइंट्स हैं उस पे, अगर आपको भी आप भी वहां पे मिस्टेक कर देंगे, अभी मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि आपका गिवन है एफसी यानी कि कैरियर फ्रीक्वेंसी, वो है आपका 20 MHz। अब क्या है, मॉड्यूलेटेड बाय साइनोसाइड ऑफ 1 kHz एफएम जो है मैसेज फ्रीक्वेंसी, ये है 1 kHz, और यहाँ से बोला प्रोड्यूस ए पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन को डेल्टा एफ से डिनोट करते हैं, और ये है आपका 100 kHz, यहाँ से देखते हैं 100 kHz। व्हाट इज़ द बैंडविथ, बैंडविथ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि कार्जन रूल हम लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि हम तब लगाते हैं जब हमारा वाइड बैंड एफएम हो, तो वाइड बैंड एफएम और नैरो बैंड एफएम दो टाइप के एफएम होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो बीटा होता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो बीटा क्या होता है आपका,
बीटा होता है आपका डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। डेल्टा एफ आपका 100 है, एफ एम आपका 1 है, 100 किलोहर्ज, 1 किलोहर्ज, तो सिंपली 100 जो कि ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स अगर बीटा आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो ये आपका वाइड बैंड एफ एम होता है। वाइड बैंड एफ एम होता है, एफ एम के दो टाइप्स, वाइड बैंड एफ एम और नैरो बैंड एफ एम। जब वाइड बैंड एफ एम जब होता है तो बैंडविथ का फॉर्मूला आपको ये लगाना पड़ेगा कि ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफ एम, या फिर ये ट्वाइस ऑफ आपको बीटा प्लस एफ एम, बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम, बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम। तो ये दोनों कोई कोई भी फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, ये वाइड बैंड एफ एम के लिए होता है। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ आपका क्या है, डेल्टा एफ है आपका 100, एफ एम है आपका 1, तो सिंपली 100 1 इंटू 2, 202 किलो हर्ज। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों में आपका 202 किलो हर्ज है। अब यहाँ पे देखिए क्या ट्विस्ट है। अब नेक्स्ट है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि जो एफएम है वो चेंज होके 800 किलो हर्ज हो जाता है, 800 किलो हर्ज। अब नॉर्मली लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में एफएम लेंगे 800 किलो हर्ज और सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे बैंडविथ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफ एम। सो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ आपका क्या हो गया, डेल्टा एफ है 100, एफ एम है आपका 800, ये आ गया 1800 किलो हर्ज। यहाँ पे आया क्या था आपका 202 किलो हर्ज, यहाँ पे आया 1800 किलो हर्ज। डायरेक्टली आप क्या करिएगा, ऑप्शन 4 टिक मारिएगा, जनरली सारे स्टूडेंट्स यही किए मैक्सिमम, तो ये आपका गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्योंकि आपको सबसे पहले बीटा देखना पड़ेगा, बीटा इक्वल टू सिंपली क्या है, डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। डेल्टा एफ यहाँ पे 100 है, एफ एम आपका 800 है, 1/8 लेस देन 1 है, यानी कि बीटा आपका लेस देन 1 है, बीटा मीन्स मॉड आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बीटा लेस देन 1 है, दैट मीन्स कि ये नैरो बैंड एफ एम है। और नैरो बैंड एफ एम में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, नैरो बैंड एफ एम में बैंडविथ डायरेक्टली 2 FM लेते हैं, 2 FM लेते हैं। सो यहाँ से जो बैंडविथ होगा ट्वाइस ऑफ 800, दैट मीन्स 1600 किलो हर्ज। तो आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ से कि एक में आपका होगा 202 किलो हर्ज, दूसरे कंडीशन में आपका 1600 किलो हर्ज, और जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। सो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी अभी से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के UPPCL AE 2016 के पेपर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर एंड वैरेक्टर डायोड आर यूज्ड इन, तो ये आपको एफएम जनरेशन में यूज होता है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन 2 यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन एफएम सिस्टम, इट हैज 8 सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स एंड द मैक्सिमम बैंडविड्थ 32 किलो हर्ट्ज। एक्चुअली जो साइड बैंड होते हैं दो होते हैं, LSB USB, तो इसके लिए ईच साइड बैंड के लिए क्या होगा कि यहाँ से जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ एम ईच साइड बैंड के लिए, समझिए कि LSB चाहे आपके USB, तो सिंपली जो टोटल आपका बैंडविथ है, बैंडविथ मैक्सिमम अपॉन आपका जितने भी साइड बैंड है 8, और ये आपका बिकॉज यहाँ पे साइड बैंड दो होते हैं LSB और USB ऐसे रहते हैं आपके, तो ये होता है आपका LSB, जैसे FC माइनस FM, ये होता है आपका FM, ये होता है आपका FC प्लस FM, तो ये आपका LSB, ये आपका USB, तो ऐसे रहते हैं। तो यहाँ से आपको अपॉन 2 करना पड़ेगा, सो बैंडविड्थ आपका 32, 8 इंटू 2 यानी कि 16, 2 किलो हर्ज। डायरेक्टली आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20 किलो हर्ज कैरियर इज एम्पलीट्यूड मॉडलेटेड बाय स्पीच बैंड ऑफ 300 to 3300 किलो हर्ज, रेंज ऑफ LSB विल बी, LSB मैंने बताया, LSB होता है FC माइनस FM, USB होता है आपका FC प्लस FM। तो आपको LSB पूछा है, यहाँ पे 20 किलो हर्ज कैरियर है, दैट मीन्स FC है आपका 20 किलो हर्ज, और जो FM 1 है वो है आपका 300, FM 2 है आपका 3300 किलो हर्ज, दैट मीन्स कि FM1 अगर किलो हर्ज में हम कन्वर्ट करें तो 300 हर्ज है, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 किलो हर्ज, और FM2 जो है
उसको हम लिख सकते हैं 3300 हर्ज है तो 3.3 किलो हर्ज। तो LSB1 क्या हो जाएगा आपका 20, यानी कि FC माइनस FM1, और LSB2 की अगर बात करें तो हो जाएगा FC माइनस FM2। FC आपका 20, FM1 आपका 0.3, ये हो गया सिंपली आपका 19.7 किलो हर्ज। और यहाँ से FC 20, FM2 आपका हो गया 3.3, तो सिंपली ये हो गया आपका 16.7 किलो हर्ज। तो 16.7 to 19.7, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 148, जो इसमें आपका क्या है कि यहाँ पे आपको गिवेन है कि इक्वेशन है आपका 10 cos 2π 1000t प्लस 0.2 sin 2π into 1000t, ये आपका इक्वेशन है, FM का इक्वेशन है। अब इसमें आपको क्या करना है कि बताना है कि FI यानी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी FI से डिनोट करते हैं। FI का फॉर्मूला होता है FC plus KF MT। अब MT यानी कि KF AM भी हम लेते हैं। सो अब देख सकते हैं यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसके लिए हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं, जो FM का नैरो बैंड FM का जो होता है आपका AC cos स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं 2π FCT प्लस β sin 2π FMT, ये होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बीटा है वो आपका 0.2 है, बीटा आपका 0.2 है, और साइन 2π FMT ये तो आपका है, ये आपका MT है। अब क्या है कि आपका यहाँ से जो FC है, आपको FC है 1000, सो FC आपका 1000 हर्ज, और आपको क्या चाहिए तो KF चाहिए और MT चाहिए। तो KF के लिए फॉर्मूला होता है आपका β = KF AM upon FM। FM क्या है, FM देख सकते हैं 100 है, यहाँ से ये 100 है, सॉरी ये 100T है, 100 है, सो FM आपका है 100। तो आप देखिए यहाँ से बीटा की वैल्यू 0.2 और KF AM और यहाँ से FM है आपका 100, तो KF AM हो जाएगा आपका 0.2 into 100, दैट मीन्स की 20। सो यहाँ से आपका KF AM 20 आ गया। तो यहाँ से देखते हैं हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, और ये जो MT है MT को लिख सकते हैं KF AM cos 2π FMT। तो अब यहाँ से FM FI लिखते हैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, FC आपका 1000 प्लस KF AM है आपका 20, और देख सकते हैं cos 2π FM है आपका 100T। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका ऑप्शन आपका 4 जो है सो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है आपका कि एन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर चेंजेस विथ टू सिग्नल्स एम्पलीट्यूड विथ मॉड्यूलेशन इंडिसेस 0.5 0.25, दैट मीन्स कि आपका μ1 0.5 μ2 0.25 ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। बोल रहा है पावर इन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर इज PC, यानी कैरियर पावर आपका PC है, तो टोटल साइड बैंड पावर आपको बताना है। टोटल साइड बैंड पावर जो होता है टोटल साइड बैंड पावर ये होता है आपका PC μ² / T। अब बिकॉज जब दो मल्टीटोन मॉड्यूलेशन है तो इसके लिए म्यू टोटल निकालना पड़ेगा, तो ये होता है आपका μ1² μ2² का स्क्वायर रूट, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका √5/4। अब यहाँ पे पुट करते हैं टोटल साइड बैंड पावर PC इंटू
रूट फाइव अपॉन फोर का स्क्वायर अपॉन टू, तो पी सी इंटू फाइव अपॉन सिक्सटीन इंटू टू, सो सिंपली फाइव पी सी बाय 32, ऑप्शन फोर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस एनालॉग कम्युनिकेशन के। तो नेक्स्ट में फिर से टेक्निकल के, आगे डिजिटल कम्युनिकेशन का आएगा, चाहे जो भी आए। सो आते रहेंगे ऐसे ही डेली। सो आप लोग का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, आप लोगों का रिस्पांस। सो आप लोग ऐसे ही चैनल से बने रहें, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। सो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी एम टी।